नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। जब भी हम सब एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और अभूतपूर्व राष्ट्रपति, जब भी कभी हम इस भूतपूर्व और अभूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम लेते हैं तो हम सबको गर्व होता है। लेकिन एक ऐसा भी दिन था जब कलाम का नाम लेकर पूरा भारत में मजाक बनाया जा रहा था। देश के सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, अखबारों में उन पर कार्टून बनाए जा रहे थे। ये बात तब की है जब अग्नि मिसाइल उड़ाने की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। 5 सालों से देश के चोटी के वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जुटे हुए थे वो अग्नि मिसाइल बनाने में। 5 सालों से देश के चोटी के वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जुटे हुए थे अग्नि मिसाइल बनाने में। उड़ान की तारीख 20 अप्रैल 1989 रखी गई थी। देश ही नहीं, दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई थी। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के सभी गांवों को खाली करा लिया गया था। गांवों को खाली कराने को लेकर मीडिया ने वैज्ञानिक दल की काफी आलोचना की। दुनिया के विकसित देशों का दबाव था कि भारत इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे या बंद कर दे, लेकिन सरकार वैज्ञानिकों के साथ थी। उड़ान की तैयारी अंतिम चरणों में थी, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उड़ने से ठीक 14 सेकेंड पहले कंप्यूटर ने रुकने का संकेत किया। एक पुर्जे में गड़बड़ी थी, उसे ठीक कर फिर से उड़ान की प्रक्रिया शुरू की गई। तभी डाउन रेट स्टेशन ने रुकने का आदेश दे दिया। कुछ ही सेकेंड में कई दिक्कतें सामने आ गई और उड़ान स्थगित कर दिया गया। मीडिया को मौका मिला, एक से बढ़कर एक कार्टून बनाए गए। एक कार्टून में एक नेता पत्रकार को समझा रहा था कि यह अहिंसक मिसाइल है, इससे कोई नहीं मरेगा। दूसरे कार्टून में एक वैज्ञानिक को यह कहते हुए दिखाया गया कि सब ठीक था, सिर्फ स्विच वाला बटन नहीं था इसमें। मिसाइल लॉन्चिंग की अगली डेट 10 दिन बाद रखी गई। वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके काम किया। लॉन्चिंग की फिर उल्टी गिनती शुरू हुई। इस बार भी ठीक 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकने का इशारा कर दिया। एक पुर्जा फिर से काम नहीं कर रहा था। उड़ान फिर स्थगित कर दी गई। इस बार एक अखबार ने नोट गिनते ग्रामीण का एक कार्टून बनाया जो कह रहा था कि उसे गांव से हटने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और उड़ान स्थगित हो जाएगा तो वह अपना एक पक्का मकान बना लेगा। पूरे देश में इसी तरह से कलाम और उनके साथियों की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। अमूल डेयरी इस मामले में पीछे नहीं रहा। उसने भी एक कार्टून बनाया और उसमें लिखा था, अग्नि को हमारे बटर की जरूरत है, जैसा कि अभी वो किसी घटना पर बनाते रहता है। कलाम ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि उड़ान के वक्त ऐसी मुश्किलें हर देश में होती हैं, लेकिन यहां अति उत्साहित मुल्क वैज्ञानिकों की मुश्किलों को समझने के लिए तैयार नहीं था। अग्नि की उड़ान की अगली तारीख 22 मई निर्धारित की गई। उड़ान के लिए कुछ ही घंटे बचे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम के पास एक अति विशिष्ट व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट सचिव, जिनका नाम था टीएन शेषन। वही टीएन शेषन जो बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने, राष्ट्रपति का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। शेषन ने कहा कि नाटो और अमेरिका की ओर से यह परीक्षण रोकने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है, अग्नि की क्या प्रगति है। कलाम को स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें भी पता था कि सरकार पर अमेरिका खूब दबाव बना रहा है, साथ ही अमेरिका अपनी सैटेलाइट से परीक्षण पर भी निगाह रखे हुए है। परीक्षण स्थल का मौसम भी उस वक्त खराब चल रहा था। कलाम ने संभलते हुए कहा कि अब हम वहां जा चुके हैं जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। शेषन ने कहा, ठीक है। इस फोन के करीब 3 घंटे बाद सुबह 7:10 पर अग्नि ने सफल उड़ान भरी। 5 साल की मेहनत सफल रही। सभी वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कल तक मजाक उड़ा रहा देश जश्न में डूब गया। अखबार वालों ने इस उपलब्धि पर खूब गर्व किया। ये थी कलाम की एक कहानी। अगली दफा फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।